साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और कर्नाटक के परिणाम सामने आ चुके हैं। कहीं संजीवनी मिली तो किसी की बेचैनी बढ़ गई है, कहीं पर लाभ मिला है, किसी का वोट बढ़ा है, किसी को सीटें मिली हैं, तो कहीं किसी के लिए खतरे की गिनती बढ़ गई है। क्योंकि यहाँ पर अगर इन चुनावों के परिणामों पर मंथन नहीं किया तो आने वाला समय और आने वाला आम चुनाव यानी 24 का लोकसभा चुनाव कष्टदायी हो सकता है। और ये बात सबके ऊपर लागू होती है, केवल यहाँ पर सत्ता के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी। जहाँ विपक्ष अपने आप को एक बोलने की बात करता है, पर सच्चाई ये है कि विपक्ष भी अभी एक नहीं हो पाया है। विपक्ष भी दो धरे में इसमें बढ़ चुका है। एक धरे में जहाँ पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम पार्टियों की बात होती है, तो दूसरे धरा में कांग्रेस पार्टी और तमाम बड़ी पार्टियों की वहाँ भी बात होती है। खैर, कांग्रेस को कर्नाटक से संजीवनी मिली और वो संजीवनी की स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और बेहतर रणनीति से काम करने के लिए तैयार है। हम सत्ता में बैठी भाजपा की बात करते हैं। भाजपा भी यहाँ पर लगातार 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और वो भी अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को परिणाम के बाद उत्साहित है। पर कर्नाटक की हार के बाद एक मंथन जरूर मिला है कि अगर कहीं पर जल्दबाजी करेंगे या कहीं पर आप हीला बहाली करेंगे तो उसका परिणाम आपको सत्ता गंवा कर चुकाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करते हैं कि कर्नाटक में स्थानीय मुद्दे छोड़कर धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की गई और तमाम बड़े नेता वहाँ गए, उसका प्रभाव पड़ा, सीटें बढ़ी पर सत्ता नहीं पा पाए। कि वहाँ के स्थानीय नेताओं ने कहीं ना कहीं हीला बहाली सबके सामने आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी अब अपनी चुनावी रणनीति को और बेहतर करने जा रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर हैट्रिक मानना है केंद्र की कुर्सी पर तो वहां पर अब मेहनत करनी होगी और उसकी कवायद शुरू हो गई है। विपक्ष भले ही शांत बैठा रहे पर बीजेपी की कवायद शुरू हो गई है और एक नए अभियान के तहत यहां शुरुआत होने जा रही है। 17-18 मई को कार्य समिति की बैठक है, बड़ी बैठक यहां पर बीजेपी द्वारा की जा रही है। तो वहीं अब एक नया प्रोग्राम भी उनके द्वारा लाया जा रहा है। सम्मेलन बहुत कराए, 14-17-19-22 के तमाम जो परिणाम है वो सम्मेलन के माध्यम से साधे गए। सम्मेलन वर्गों का, सम्मेलन जातियों का, सम्मेलन बुद्धिजीवी वर्गों का और सम्मेलन व्यवस्थाओं का, सबका सम्मेलन किया। और उसके सम्मेलन के बाद जो स्थिति है सबके सामने है कि 37 साल बाद मिथक को तोड़कर बीजेपी दोबारा सत्ता में है और 17-14-19 का चुनाव स्पष्ट करता है कि बीजेपी ने जो मेहनत की, रणनीति बनाई, सम्मेलन किए, उसका लाभ बीजेपी को मिला। और यहाँ पर अब होने जा रही है चाय पे चर्चा, यानी अब चाय पे चर्चा होने जा रही है। 30 मई से 30 जून का अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शुरुआत की जा रही है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में यहाँ पर सभाएं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 से 5 सभाएं करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सभाएं करेंगे, तमाम बड़े नेता सभाएं करेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग जिले का लोकसभा क्षेत्र का बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनमें खिलाड़ी, कलाकार, शहीद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, इन सभी से संवाद स्थापित किया जाएगा, नीतियाँ पहुँचाई जाएंगी। क्योंकि अब यह चुनौती है 24 को लेकर। और जिस तरह से अभी हमने देखा है कि पुराने आंकड़े बताते हैं कि 24 चुनाव अब इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। पर बीजेपी अगर यहाँ तैयारी में लगी है तो विपक्ष की तैयारी क्या है? कि विपक्ष का अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने बाकोवर दिया है तो कहीं ना कहीं अब स्थिति यहाँ पर सुधारनी होगी। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है, हमारे साथ मेहमान जी को रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल कुमार यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आज से उनके सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे और वीर प्रकाश मिश्रा रालोड से अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से रहेगा, विवेक भाई, कर्नाटक की 30 रही पर बहुत जल्दी दोबारा प्लेटफॉर्म पर आ गए, रणनीति बन गई है, चाय पर चर्चा भी होने जा रही है, अभियान भी चलाया जाएगा, सभाएं होगी और फिर उसी उत्साह के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। 24 का महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि अगर यहाँ पर जीत हासिल करनी है तो इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम तरह के आंकड़े आए हैं और जो विपक्ष एकजुट हो रहा है और सबका एक ही लक्ष्य है बीजेपी को हराना, कैसे देखते हैं? गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी शब्दकोश में विश्राम नहीं जी,
कर्नाटक में हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है जी, विपक्ष में है जी। जिन घोषणाओं के साथ कांग्रेस वहां सत्ता में आई है जी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस जनता के अपेक्षाओं पे कांग्रेस की सरकार खरी उतरे इसकी निगरानी करे जी, और वो हम जिम्मेदारी से करेंगे। ये बात और है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के मंथन में लगी हुई है, जहां तक 2024 का प्रश्न है जी, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो 100 दिन पे, 6 महीने पे, साल भर पे, हर विशेष समय पे अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेके जाती है। अच्छा, 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को अवसर है जी, हम जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाए जी। इस दौरान जो योजनाएं जी जनता के अंतिम पायदान पे खड़े आम आदमी के लिए जी, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए जो जो कार्य हमने किए, उन कार्यों की विस्तार से चर्चा हो, चर्चा होगी, जनता का जनमत बनेगा, जनता का जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूत होती से बनेगा जी, और जनता का जनार्दन का आशीर्वाद हमें 2024 में प्राप्त होगा। अच्छा, इसमें चाय एक महत्वपूर्ण कड़ी है जी, हमने 2014 में भी चाय पे चर्चा की थी, 19 में भी की थी, 19 में भी की थी जी, और चाय आम नागरिक के बीच बातचीत के लिए बैठने का एक महत्वपूर्ण जी साधन है जी। हमारे संघ में भी कहा जाता है चाय पीने की आदत डाली, चाय के बहाने ही आप किसी के पास बैठ पाएंगे, चर्चा का अवसर मिलेगा, चर्चा से परचर्चा होगी, पर चर्चा से आगे रास्ते बनेंगे जी। हम तो वो दल है जो अपरिचित से परिचित, परिचित से मित्र, मित्र से कार्यकर्ता बनाते हैं। हम दो से यहाँ तक का सफर किए और आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रचंड बहुमत हमें भारत की जनता दे रही है, और हम जनता के उस एजेंडे पे, उस मनोभाव पे खड़े उतर रहे हैं, इसलिए जनता हमें बार बार मौका दे रही है। अच्छा, हम जनता की नब्ज समझने में कामयाब हैं जी। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष आपने कहा दो धड़ों में, उसको लगता है ढेर सारे धड़ों में है। अच्छा, कांग्रेस को राहुल गांधी जी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, दुर्भाग्य है, दिखाई नहीं देता, यार लोग देखना नहीं चाहते हैं, दिखाई भी नहीं देता, देखना भी नहीं चाहते, दोनों एक साथ। ये बोलिए, देखना नहीं चाहते, प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिखाई देती है भाई, हम जैसे खबरें भी इसको दिखाई देती है, आपको क्यों नहीं दिखाई देती भाई? आपको दिखाई देती है, हमको दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेसियों को नहीं दिखाई देते राहुल बाबा के अलावा कोई। अच्छा, अगर कोई राहुल बाबा के अलावा इधर उधर देखने की कोशिश करता है तो कांग्रेस में उसके पर कतर दिए जाते हैं। अच्छा, और दुर्भाग्य कि कांग्रेस के जो अन्य सहयोगी संगठन है, जो उनके यूपीए के पार्ट हैं जी, वो भी राहुल गांधी को समझ नहीं पाते। अच्छा, अन्य दल जो उनसे संवाद कायम करने की कोशिश करते, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। चलिए, तो ऐसे में विपक्ष इतने ध्रुव में बटा हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। अच्छा, उनकी विश्वसनीयता, उनकी लोकप्रियता, पुराना इतिहास पता है बेबी भाई आपको, पुराना इतिहास पता है, पुराना इतिहास, इंदिरा गांधी का इतिहास पता है कि वो भी बहुत लोकप्रिय नेता थी, वो भी चुनाव हारी थी, ये पता होगा। चुनाव दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का भी इतिहास पता होगा, राजीव गांधी का भी इतिहास पता होगा, और विदेशों की बात करें अब्राहम लिंकन का इतिहास पता होगा आपको। मेरी बात सुन लीजिए, सुना लीजिए, जो जो उदाहरण आप दे रहे हैं वो किसी अन्य विशेष कालखंडों का दे रहे हैं जी। इंदिरा गांधी चुनाव से दीवार हुई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के कारण। अच्छा, अटल जी चुनाव हारे जब इंदिरा गांधी की शोक लहर पूरे भारत में चल रही थी। अच्छा, वो लोकसभा नहीं, शोक सभा का चुनाव होता है। अच्छा, इस तरह के तमाम उदाहरण है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, उनकी लोकप्रियता चरम पे है, उनके द्वारा जनता के हित में किए गए कार्य को जनता
भूल-भूल सराहना करती ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे। अब आप बोल रहे लोकप्रियता के चरम पर है और विपक्ष बोल रहा है मोदी में खत्म हो गया है, आप किसकी माने भैया? विपक्ष बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, विपक्ष तो मैं बोलूंगा तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, विपक्ष को सारी बातें कहने का अधिकार है। हाँ। हम तो गनीमत समझते हैं, वो गाली वाली दे देते मोदी जी को। अच्छा। डिबेट में लोग मोदी जी को गाली वाली भी दे देते, हम तो इसकी भी अपेक्षा करके बैठते डिबेट में। वो तो भारतीय राजनीति में आप सूचना खत्म हो चुकी है। भारतीय उम्मीद ही नहीं करता हूँ राजनीति में। अरे मैं तो उम्मीद ही नहीं करता हूँ कि आप लोग राजनीति सूचना करेंगे। है क्या ऐसे ऐसे आरोप, ऐसे ऐसे विधानसभा में बातें बोली जाती है। विपक्ष के शब्द अभी मैं देखा हूँ दिल्ली एमसीडी चुनाव में, वहाँ माइक तोड़े जा रहे थे, क्या राजनीति कर रहे हैं विपक्ष? मैं तो सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर संज्ञान ले और सबको निकाल बाहर करे। सुना दीजिए, सुना दीजिए, शब्दकोश में जी शब्दों का भाव है। नहीं कोई प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर नहीं बताता। अच्छा। मोदी सरनाम के लोगों को चोर नहीं बताता। बिल्कुल, ये शब्दकोश का भाव है। ठीक। अदालतों ने इसका संज्ञान लिया है। कोई कोई नेता किसी महिला के अंतर्वस्त्रों का रंग नहीं बताता। अच्छा। ये शब्दकोश का भाव, मुझे उम्मीद थी आप ये जरूर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बेबी भाई। तो जिस तरह के लोगों के शब्द हैं, वक्ताता को किस दल से क्या क्या विचारधारा है, चले ठीक है, उनके दलों के, चले आप क्या जरा बाकी पूछो तैयारी कैसी, आपकी तैयारी पुख्ता है बेबी भाई? आपकी तैयारी मजबूत है मुझे पता है और शुरू भी हो गई है, बाकी पूछो क्या स्थिति है चंचल भाई? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी विश्राम नहीं लेता। लीजिए, विश्राम नहीं लेता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है चंचल भाई। भाई निकाय चुनाव तो बाकोबर से मुझे लगा है। अब आप लोग भले ना बोलें कि 55 किसे ज़्यादा सभाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अखिलेश यादव की सभाओं की गिनती आपको पता है दहाई से भी कम है, क्या छोड़िए। पर यहाँ पर चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब स्थिति दूसरी है और सारा फोकस मैं देख रहा हूँ सपा प्रमुख पूरा फोकस 24 चुनाव को लेकर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बीजेपी द्वारा तैयारी शुरू हो गई है और बीजेपी पहले सत्ता बैठी उत्तर प्रदेश में भी काबिज है तो इनको प्लस पॉइंट है। पर यहाँ पर आपको बड़ा संघर्ष करना है, क्या रणनीति रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर दौरे व्यवस्थाएं चलती रहेंगी पर संवाद जरूरी है। जो संवाद की स्थिति, जो समाज संवाद की पटकथा बीजेपी बना रही है वैसे ही कुछ आपको भी उपाय करने होंगे। क्या तैयारी है और निकाय चुनाव में क्या सबक लिया है? देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद होगा दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के अंदर जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली चिल्लाया करते थे, ध्यान है? हाँ। भारत माता की जय भूल गए थे वो। अच्छा। जय बजरंगबली पे आ गए थे। हाँ। बाकायदा चुनाव आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन भी उन्होंने किया। स्वच्छता की अभी बात हो रही थी, उसमें याद आ गया मुझे, मैंने कहा सुन लिए होंगे। और आप सोचिए प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि मैं वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक नहीं रह गया हूँ, लेकिन ये बड़ा इनको प्राउड फील होता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को, कि हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे प्रचार करते रहते हैं। अच्छा। 18 घंटे काम करते रहते हैं, केवल 2 घंटे सोते हैं। यही सेम कहानी हमारे मुख्यमंत्री जी की है। मैं आपको बताता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या प्रवक्ता ये नहीं बोलता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, भाई बहनों 60 महीने बनाम 60 साल दे दो, 60 साल बनाम 60 महीने। अरे अब तो 108 महीने हो गए, अब कब चर्चा करोगे? अब तो 60 साल बनाम 60 महीने की चर्चा ही नहीं होती है, अब तो कोई बात ही नहीं होती है। रही बात चाय पे चर्चा की बात हो रही थी, मैं आपको बताता हूँ गौरव जी, ये वही सरकार है जो चाय पे चर्चा करके आई थी और चाय पे चर्चा करके निपट जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, और ये भी जान लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि मेरा क्या, मैं तो झोला निकल लूंगा। और मैं झोला लेकिन निकलने का वक्त आ गया प्रधानमंत्री जी का। और मैं आपको तो अगर रणनीति सही रही, सारी सारी व्यवस्थाएं, सारे जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजाई हो रहा है, आप बिलीव करो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो 80 सीट की बात करें, 0 हट जाएगा, तो 0 है ना। हाँ। वो हट जाएगा। और जिस तरीके से 2004 में इनके पास, 4 में इनके पास 7-8 सीटें 9 सीटें हुआ करती थी। हाँ। वहीं पे आ रहे हैं, उससे कम आ जाएंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, सर मेरी बात सुनिए, दूसरी बात ये है, आज मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। आप मुझे बताओ कि मैं उन बातों पे ज्यादा नहीं आना चाहता क्योंकि समय भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वादे करके आए थे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे भी प्रधानमंत्री जी जो भी वादे करके जनता के बीच में 2014 में आए थे, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी वादा पूरा हुआ क्या? या क्या उन वादों के बारे में चर्चा होती है क्या? क्या आप मुझे बता दो
कि 2 करोड़ रोजगार की बात आप करते थे, क्या आज उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कोई नेता चर्चा करता है क्या? आपको याद होगा 100 दिन के अंदर कालाधन की बात होती थी, प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छेदार बातें क्या करते थे, अब पूरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में होर्डिंग बैनर पोस्टर लगी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, कितना एडवर्टीजमेंट किया इन्होंने, लेकिन क्या हुआ? आप बताओ जो चाय अब हमारी है, जो चाय की प्याली इतनी महंगी हो चुकी है, आप सोचो जो गैस का सिलेंडर है ना, जो कहते थे कि भाई बहनों जब घर से निकलना तो एक बार नमस्ते करके जाना वोट देने के लिए, इस बार 2024 में नमस्ते करके ही लोग जाएंगे वोट देने के लिए। अच्छा, और नमस्ते करके जाएंगे, जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर या 18-18 घंटे मेहनत करते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे उद्योगपति साथियों के लिए, अच्छा, वो 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए मिलता है, और शायद विवेक भाई के घर में मेरा ख्याल है 400 में आता होगा, इसलिए मगन नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आप कहते थे काला धन 100 दिन के अंदर में लेके आएंगे और कमीशन मिलेगा सारे सरकारी कर्मचारियों को, उसका क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की बात होती थी, आप किसानों की लागत दुगनी हो गई। आप मुझे बताओ पूरे प्रदेश में आपने जितने भी, पूरे देश के जितने भी आपने सपने दिखाए थे, हम लोग तो कहते हैं भाई हमारे आप पुराने दिन ही दे दो, जो हमारे बुरे वाले दिन थे आप अच्छे दिन के सपने दिखा करके जनता के बीच में आप आए, और अब तो 120 महीने होने जा रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हमको और समय चाहिए, और समय चाहिए। अब 60 साल बनाम 60 महीने की चर्चा आप नहीं करते हो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आप सोचिए अभी देखिए जो ये चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से सब लोग खुश है, आप सोचिए जितने आप कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, आज हालत क्या है? आज कुछ ही समय में, आने वाले समय में आप देखेंगे जिस जो हालत है भारतीय जनता पार्टी की, जो नफरत के जो पूरे देश में नफरत और जुमलेबाजी जो फैलाई जा रही है, वो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत में हो जाए देश, ये मेरे दो सवाल आने वाले समय में देखेंगे आप। संजय भाई मैं दो सवाल ले लीजिए जी, आपने कहा भाई अब जवाब लूंगा आपकी बात, संजय भाई आपने कहा कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, पर कहाँ मजबूत हो रहा है? क्योंकि यहाँ विपक्ष की मुझे नीति नजर आ रही है, केवल विपक्ष मुझे सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। विवेक भाई आपने बहुत अच्छी बात की, कहाँ मजबूत हो रहा है, इसी उत्तर प्रदेश में 25 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम लोग उनके घर में उनको हराए, उनके लोगों को हराए, हम लोगों ने कई सारे जिलों में सुपड़ा साफ हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के 17 मेयर की आप बात करो, मैंने बताया आपको नगर निगम में आप जो ट्रिपल मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे पास ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर के प्रधान से लेके जिला पंचायत सदस्य से लेके, हमारे पास कैडर बेस पार्टी, हमारे पास एक एक मतलब हर जगह गांव-गांव गली-गली में नेता है। आपके भी देख, आपने देखते होंगे ऑलरेडी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं तो बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के भी हजारों हजार की संख्या में रोड पर खड़े जाते हैं लोग। और हिंदुस्तान के इतिहास में आप मुझे बताइए, भी आप कह रहे थे मेहनत की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में बताइए ऐसा कौन सा नेता है जो गांव-गांव गली-गली साइकिल चलाया हो, ऐसा कौन सा नेता है जो भोर में 2 बजे 4 बजे रैलियां किया हो। इसी आपको ध्यान होगा एक्सप्रेस वे पे 4 बजे लोग अपने नेता का दीदार करने के लिए इंतजार कर रहे थे, आप बता रहे हैं, आप सोचिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा काम विकास के ऊपर समाजवादी पार्टी। चंचल भाई बुरा मन मानेगा, इतिहास है, 4 बजे उठकर साइकिल चलाई, मैं मानता हूं मेहनत की है, उसमें कोई संशय नहीं है। समाजवादी पार्टी संघर्ष से जन्मी पार्टी, और फिलहाल जो मैं स्थिति देख रहा हूँ 2022 में चुनाव, विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद, मुझे वो संघर्ष नजर नहीं आया जिसकी समाजवादी पार्टी जानी जाती है। ठीक है, प्रवक्ता रालोद बीर भाई आपके, आप भी तो यहाँ पर गठबंधन आपका चल रहा है, मुझे लग रहा है गठबंधन में भी कुछ कोई दिक्कत चल रही है, अंदर से ऐसी सूत्र आ रहे हैं। अब बाकी तो आपको पता होगा, मैं तो पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे तो अंदर से थोड़ी आहट लगी तो मैंने पूछ लिया, तैयारी कैसी, क्यों आप मुस्करा रहे हैं, मुस्कुरा पीछे राज कोई ना कोई है, बता दीजिए भाई। ऐसा है गौरव जी, जी गठबंधन में हमारे ना कोई दरार है ना कहीं कोई मलाल है, गठबंधन हमारा है मजबूती के साथ, गठबंधन में ही रहेंगे और गठबंधन में ही। अच्छा अच्छा गौरव जी, थोड़ा इसकी आवाज हमारे जी चौधरी जी जयंत सिंह की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 19 मई से बोले आवाज नहीं आ रही, क्या आवाज बढ़ाई जाए बीर भाई की, जी जी बोलिए बीर भाई बोलिए। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी 19 मई से समरसता अभियान के तहत निकल रहे हैं, जो अभियान हमारा प्रथम चरण में 3 जून तक चलेगा। अच्छा, जिसमें हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आम नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी की नाकामियाबियों के बारे में लोगों को आगाह करेंगे। अच्छा अच्छा, और इनका घोषणा पत्र लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि ये घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, क्या किया इसमें, इन मुद्दों के आधार पर इन्होंने कोई भी वादे पूरे नहीं किए, किसानों के साथ धोखा किया है। ठीक, पिछले
दो पंचवर्षीय योजना पूरी होने को है, लेकिन गन्ने के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। किसान की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार चुनाव लड़ने आई थी तो उन्होंने कहा था कि किसानों को हम मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन जब हमने सदन में पूछा कि मुफ्त बिजली की क्या योजना है तो सरकार ने साफ इनकार किया और कहा कि सरकार फिलहाल किसानों को मुफ्त देने बिजली योजना देने में सक्षम नहीं है। तो इन सारी नाकामयाबियों को हम लोगों के बीच में पहुंचाएंगे और उनसे इस बात को बता करके आगाह करेंगे कि अगर आपको अपने को सुरक्षित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराइए और सरकार बदलिए, सत्ता परिवर्तन करिए, इसी में देश की भलाई है। इसका शुभारंभ भी हो चुका है जैसा आपने भी बताया। अच्छा, कितना परसेंट वोटर बैंक रहा इस बार बता दीजिए ना राहुल भाई, बेर भाई, इसका आपका वोट परसेंट? हाँ, निकाय चुनाव में पूछ रहा हूँ वैसे। निकाय चुनाव में? हाँ, मुझे याद आया, मैं पूछ लूँ एक बार। हाँ, निकाय चुनाव में 113 सीट हम जीते। हाँ, नहीं मेरा वोट परसेंटेज की बात कर रहा था, कितना वोट परसेंटेज रहा होगा? वोट परसेंटेज तो हम आपको इसलिए नहीं, चूंकि अभी उसकी समीक्षा बैठक नहीं हुई है इसलिए उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है और मूल्यांकन होने के बाद में हम ये भी बात आपसे साझा करेंगे। अच्छा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 113 जगह हम चुनाव जीते हैं और लगातार हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम अच्छा, कर रहे हैं। ठीक है, मैं और एक बात आप जान लीजिए, बता दीजिए, 464 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। अगर नगर निगम ये चुनाव जीते हैं तो इसके लिए इतना बड़ा प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं, यशस्वी मुख्यमंत्री या यशस्वी प्रधानमंत्री, यहाँ साहब तूफान आ गया और आंधी आ गई। चलिए मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, आम आदमी पार्टी आपसे ज्यादा वोट परसेंट लेके आई है, 1.63% और आप लेके आए 1.40% और समाजवादी पार्टी 94.94%। बीर भाई मेरा कहना है यहाँ पर आप जो अभियान चलाने जा रहे हैं 19 मई से 3 जून तक, इस अभियान में कहाँ कहाँ अभियान चलाएंगे? क्या केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगा या पूरे प्रदेश में रहेगा? नहीं, पूरे प्रदेश में ये अभियान चलेगा। अच्छा, तो हालांकि हम इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर तक यह अभियान चलेगा। अच्छा, ऐसा कार्यक्रम, ऐसी रूपरेखा बिल्कुल तय हो। अच्छा, आपको लगता है जैन चौधरी अगर जनसभाएं करते या सभाएं करते, रैली निकालते तो उस तरह कुछ बेहतर परिणाम आते? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 96 का और दूसरा उपचुनाव यहाँ पर दे दिया गया, सुपुर्द कर दिया गया, कुछ बेहतर परिणाम आ सकते थे? खतौली में उन्होंने बड़ी मेहनत की, घर घर गए, उसका परिणाम आपके पक्ष में आया? जी, देखिए कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है और संगठन उसको तय करता है कि कहां जिसको जाना। अच्छा, जहां चौधरी साहब को जाना था ये कार्यक्रम की रूपरेखा बिल्कुल तय थी। अच्छा, और वो गए भी हैं। और रही बात खतौली की, तो खतौली में ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय की परिस्थितियां, चौधरी साहब घर घर गए या उन्होंने 100 सभाएं की या उन्होंने पश्चिम में आपका खासा प्रभाव है, पश्चिम में खासा प्रभाव है। अगर सुवार में जनसभाएं कर लेते या चले जाते तो सत्ता वहां पर परिणाम आपके पक्ष में आता, मान सकते नहीं मान सकते? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं जाते और चुनाव परिणाम शायद इससे कुछ भिन्न आता, लेकिन क्योंकि उनका कार्यक्रम वहां तय नहीं हुआ था। अच्छा, और हम गठबंधन में है तो जिस तरीके की रूपरेखा हम लोगों के मध्य तय होती है उसके हिसाब से हम आपको आमंत्रित नहीं किया गया सभाओं के लिए? ठीक है, मैं समझ गया। नहीं, आमंत्रित करने की इसमें बात नहीं है, ये तो हमारे और उनके बीच में रणनीति तय होती है कि किसको कहाँ जाना है, कहाँ किसकी उपयोगिता है, किस आधार के ऊपर बताएंगे किसका क्या। ठीक है तकी भाई, आप तो 1.63% वोट ले आए हैं, 4 नगर पालिका, 7 नगर पंचायत, 100 पार्षद जीत कर आए हैं, बधाई हो आपको। राष्ट्रीय पार्टी पहली बन चुके हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करने वाले, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पूरी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव में उतरी हुई है और विधानसभा चुनाव आपके लिए बहुत बेहतर नहीं गया है, सीट आपको मिली नहीं, निकाय चुनाव पहले भी आप जीत कर आए थे, इस बार फिर आप जीते हैं, पर लोकसभा चुनाव बड़ा कठिन है क्योंकि बीजेपी दिल्ली में सरकार होने के बावजूद वहाँ पर आपका सुपड़ा साफ रहा है लोकसभा में, तो इस बार क्या कुछ अलग करने वाले दिल्ली में और क्या रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर केवल बातों से और चुनावी मुफ्त की रेवड़ी से काम नहीं चलेगा, क्या व्यवस्था एजेंडा लेके आएंगे, क्या सोच है और क्या किस तरह के कार्यक्रम आपके द्वारा भविष्य में आयोजित किए जाने वाले हैं?
देखिए आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जीत दर्ज कराई है। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता का बड़ा आभार है कि उसने आम आदमी पार्टी को चुना है, और आम आदमी पार्टी अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। 10 साल पुरानी पार्टी होने के बाद भी हम बहुत सी ऐसी पार्टियों से आगे निकले हैं जो पिछले 95 साल से या 40 साल से या आज़ादी से पहले से कार्यरत हैं, उनसे ज़्यादा हमें उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। अच्छा। तो उसके लिए जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता थे, और माननीय सांसद श्री संजय सिंह की लीडरशिप में और बहुत से लोगों ने, सामाजिक भाई ने बहुत मेहनत करी। अच्छा। उसके जिसका रिजल्ट निकला, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है जहाँ पे मेहनत करने पे ही परिणाम मिलेंगे। उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी की अब प्राथमिकता बन गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होने वाली है। अच्छा। जैसे ही जिस दिन से परिणाम आया, उस दिन से लगातार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। आज ही मेरे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी अयोध्या में दौरे पे गए, अयोध्या में जो प्रत्याशी वहाँ जीते हैं और जो प्रत्याशियों ने अच्छा चुनाव लड़ा है, उन सब को आम आदमी पार्टी ने वहाँ सम्मानित किया है। संजय सिंह साहब ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उनके साथ जीते प्रत्याशियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो आम आदमी पार्टी इधर लखनऊ में भी, कल लखनऊ में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो प्रत्याशी लड़े थे और जिन्होंने अच्छे वोट मिले हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, भले ही वो जीत में उसको नहीं प्रतिबंध कर पाए, लेकिन वो लोगों के साथ आम आदमी पार्टी ने कल लखनऊ मीटिंग करी। अच्छा। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो रोहिलखंड में आम आदमी पार्टी का और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अच्छे रिजल्ट आए हैं, उन कैंडिडेट से व्यक्तिगत तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली मुलाकात करी और सबका प्रोत्साहन किया और सबसे वादा किया कि अरविंद केजरीवाल जी अब यूपी में लगातार आएंगे और उनके दौरे यहाँ पे होंगे। तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, मैं आपके बारे में नहीं बोला था, आप पहला राउंड खत्म होने दीजिए, फिर आप भाई आप आम आदमी पार्टी के आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों बोलते भाई आप लोग? देखिए, आम आदमी पार्टी जो आगे बढ़ी उससे सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये इतने हतोत्साहित हो गए, इतने परेशान हो गए हैं कि इन्होंने प्रतापगढ़ में रानीगंज में आप प्रत्याशी, ये इतने ज्यादा हताश हो गए हैं। हाँ। कि इन्होंने प्रतापगढ़ में रानीगंज में हमारे आपके प्रत्याशी प्रभावती यादव के परिवार पे हमला किया जाने लगा। अच्छा। ये आज की लेटेस्ट कल की खबर है, और उनकी गाड़ियों को फोड़ा, उन पर हमला हुआ। अच्छा। उनको चोट लगी है। अच्छा। और वहां पे हमारे लोग गए और लगातार फायर दर्ज की गई और विधिवत कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अच्छा। बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी के लोगों को धमका रही है, डरा रही है। अच्छा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है। अच्छा। धमकने वाले नहीं है। और हम इनकी छाती पे चढ़ के राजनीति करेंगे, इनकी छाती चढ़ के मुंह गलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करते रहेंगे। और जहां जहां हम जीते हैं वहां वहां हम एक रोल मॉडल पेश करेंगे। वहां हमारे जो चेयरमैन के लोग दिल्ली मॉडल की बात, पंजाब में जो हमने काम किया, ईमानदारी से हम काम करेंगे। वहाँ के स्कूलों को बदलेंगे, अस्पतालों को बदलेंगे। चिन्मयानंद, वो तो चिन्मयानंद एक्सपर्ट है, उसके चिन्मयानंद से आप रब्ता कायम करिए। लगता है आपको मसाज चाहिए, तेल मालिश चंपी तेल मालिश चाहिए आपको। वहाँ वहाँ वो चिन्मयानंद, चिन्मयानंद ज्यादा अच्छी प्लीज, चिन्मयानंद आपका तो गैर प्रधानमंत्री का बनना है, कई सौ करोड़ रुपए का। हमारे प्रधानमंत्री जी को सारी गालियाँ याद है, कौन सी गालियाँ दी गई, उन गालियों की संख्या याद है। लोगों को पता नहीं है, प्रधानमंत्री कोष में जो कोरोना के दौरान पैसा आया था, प्रधानमंत्री कोष में पैसा कहाँ गया, उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। आरपीएफ के जवानों ने जो एयरलिफ्ट के लिए कहा था, बाबा लेटर का तीन बार एयरलिफ्ट क्यों नहीं मिली, इसका जवाब देने को तैयार नहीं। वहाँ शहीद हो गए, आरडीएस कैसे आई थी इसका पता नहीं है। और राफेल की फाइल जो सुप्रीम कोर्ट मारा, फाइल दिखाइए तो कह रहे फाइल गायब हो गई, फाइल है ही नहीं, वो फाइल कहाँ गई इनको पता नहीं है, रोजगार का डेटा नहीं है। चले ठीक है, नरेगा में इन्होंने पैसा कम कर दिया, उसकी बात नहीं कर रहे, रोजगार कहाँ गया, चले हो गया हो गया, गालियाँ याद है, गालियाँ याद है, लेकिन काम नहीं याद है अपने, अपने काम नहीं बता पा रहे। ठीक है, देखिए हो गया, 8 लाख का पर्दा, अरे विजय भाई हो गया, विजय भाई जी भाई, अब मूल्यांकन कर दीजिए, चर्चा होने जा रही है और 14, 17, 19, 22 आपके सामने वरिष्ठ पत्रकार है, और क्या स्थिति, क्या लगता है आपको, विपक्ष कहा था इनको चुनौती दे पाएगा, क्योंकि फिलहाल इनकी जो शुरुआत हो गई है रणनीति की, विपक्ष की रणनीति में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने चर्चा में शामिल किया। पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी शुरू करते हैं जी। अभी विवेक भाई ने हमारे कहा था कि कर्नाटक, जरा आवाज तेज कराइए सावरी साहब की, कर्नाटक में
विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है जी। विपक्ष में जनादेश बैठने का तो महाराष्ट्र में मिला था। अच्छा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ गौरव जी, पूरा देश जानता है। अच्छा, विपक्ष में बैठने का जनादेश अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं करी है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अभी पर बोले, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, आपने जो बोला मैं सुना भाई, पहले राउंड में ये अच्छी बात नहीं है। पहले राउंड में 12 मिनट बोले किसी में मतलब उंगल भेद करना अच्छी बात नहीं है। विवेक भाई प्लीज, बातें शोभा नहीं देती। विवेक भाई, अरे सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए विवेक जी, विवेक जी अरे सुन लीजिए। अरे भाई आपको इतना भाई सच इतना खराब होता है कि आदमी चाहे 500 किलोमीटर दूर बैठा हो लेकिन उसे बुरा लग जाता है। अजीब बात है भाई, आप ही ने तो कहा था कि मुझे जनादेश विपक्ष में बैठने को मिला है, तो मैंने कहा याद दिला दूं कि महाराष्ट्र में भी आपको बैठने को मिला था। अच्छा आप दूसरी बात आ जाइए, सुन लीजिए विवेक जी, बोल लीजिएगा, बोल लीजिएगा, हम आपको नहीं रोकेंगे। आपका पहला टर्न है, जब आप बोलेंगे तो मैं कतई नहीं बोलूंगा, मैं सुनूंगा। मैंने आपको बहुत जोर से सुना भी है, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए विवेक, अच्छा तो आप ही बोलिए फिर बाद में बोला जाएगा। भाई आपका डर खत्म हो चुका है, जो कहा विवेक भाई प्लीज, बात सफाई दे रहा हूँ। नहीं नहीं सुनिए विवेक, अभी सफाई नहीं, आपको सबका जवाब देना है, सबका जवाब आपको ही देना है। आप सत्ता में बैठे, दो मिनट जाइए, उनकी बात पूरी जाइए, अमर भाई बात पूरी करिए, बोलिए। तो पहली बात तो हमारी गौरव जी पूरी होने ही नहीं पाई। वो जनादेश कर्नाटक मिला है तो जनादेश महाराष्ट्र में मिला था, लेकिन क्या हुआ पूरे देश में देखा। ठीक। दूसरी बात, जिस तरीके से चुनाव कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया गौरव जी, जितनी भी निंदा की जाए उसकी कम है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है जी। आज 14 से लेके अब तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मदरसा ये वो तू मैं के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। शिक्षा पे ये बात नहीं करते, विकास पे ये बात नहीं करते, रोजगार पे ये बात नहीं करते। तमाम हमारे यशस्वी मोदी जी ने वादे करे थे, प्रधानमंत्री जी ने, एक भी इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। ये तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा मुझे मोदी जी को गालियां दी गई। हाँ। भाई राहुल गांधी को पप्पू किसने बनाया आप बताइए गौरव जी, पूरे देश में जरा जरा दे बच्चे रिक्शा चला। अरे सुन लीजिए विवेक जी, फिर आप बोलेंगे। अरे सुन लीजिए, उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि एक विधवा औरत को विश कन्या बार डांसर जैसे शब्दों से किसने इस्तेमाल किए गौरव जी, ये बहुत ही मतलब बहुत ही निंदा, जितनी भी निंदा की जाए इसकी कम है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि सेकंड में समाजवादी पार्टी बोले थे, क्योंकि मेरा काम ही है, आपने कहा था मूल्यांकन करना, तो मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ बैठ करके। गौरव जी आपको याद दिला दें कि समाजवादी पार्टी के पास आज भी जी बड़ी संख्या में अगर कोई वोट है तो सिर्फ मुसलमानों का है। बिल्कुल है, ये बात मानेंगे आप? बिल्कुल है। 110 सीट 111 सीटें 2022 में आई और सिर्फ मुसलमानों बदौलत में, मुसलमानों बदौलत आई। आप बताइए कि यादवों का वोट कितना परसेंटेज है, उसके बाद कितना मिलता है, और आज की तारीख में यादव वोट समाजवादी पार्टी के पास कितना रह गया है, ये किसी ने छुपा नहीं है। इसके बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी अगर हम इस पर बात करेंगे। आप देखिए अभी निकाय चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में कौशाम्बी जिला है जी। कौशाम्बी में एक करारी नगर पंचायत है, वहाँ पर 30 साल से मौला बख्श अध्यक्ष होते आए हैं जी। इस बार इंद्र सरोज जी के कहने से उनका टिकट काट दिया गया, वो निर्दलीय लड़े फिर जीत गए। तो समाजवादी पार्टी की ये हालत है कि जिसके दम पर जी आज पार्टी मजबूत है और पार्टी अपनी पार्टी की हैसियत रखती है, आज उन्हीं को बराबर नजरअंदाज किया जा रहा है। 2022 में तो बड़ी शर्मनाक घटना है कि जिस तरीके से मंचों से धक्के दिए गए मुसलमान नेताओं को, राज्य मंत्री को अलीगढ़ से धक्का दिया के उतारा गया, यहाँ घोसी, सुन लीजिए हम बाद में बोले, आप बोलिए मैं सुनूंगा। तो जिस तरीके से जितना जलील करा गया मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के मंच से, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए गौरव जी कम है। और ये अभी लेटेस्ट मैंने आपको स्थानीय निकाय चुनाव बताया। तो अब अगर कोई बहुत बड़ा ख्वाब देखता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के केशव मौर्य जी ने कहा था कि हम 80 में से 75 जीतेंगे, और जीता अपने निकाय पंचायत भी ना पाए, तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ सपने और दावे तो हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है गौरव जी। दूसरी बात, हमारे वेद प्रकाश भाई बहुत अच्छे बड़े भाई हैं हमारे, कह रहे थे जैन जी को लेकर के, तो जैन जी का तो मामला ये है गौरव जी कि जैन जी को क्यों भी स्वर्गीय चौधरी चरण अजीत सिंह भी पश्चिम से आगे बढ़े नहीं, बिल्कुल, जबकि उनका एक चेहरा था, बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह के बेटे थे जी।
और वही पोते ये हैं जैन जी, अगर ये चले बढ़े आकर के तो यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी सीमाएं वहीं तक मानते हैं। दूसरी बात, अब चूंकि मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, तो मुझे नहीं लगता है कि अपनी सीमाएं बढ़ा भी पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो फिर अखिलेश जी को नहीं अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये रही कि देखिए आजमगढ़ और रामपुर का आपने चुनाव लोकसभा का देखा ही है, हाँ, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की 5 सीटों से 3 पर आ गए, 2 सीटें वो भी अपनी नहीं बचा पाए, जैन जी को जाने नहीं दिया गया या जैन जी गए नहीं, जो भी है ये इंटरनल मामला है, ये तो सपा और राष्ट्रीय लोकदल ही बता पाएंगे। बाकी इन 3 का तो हमने देखिए समीक्षा करी थी आपकी, और चौथे हमारी आम आदमी पार्टी बैठे, ये तो इस टाइम बहुत उत्साहित है गौरव जी। अच्छा, उत्साहित है, बहुत उत्साहित है कि काफी इन्होंने पार्षद भी जीत लिया उत्तर प्रदेश में, और नगर पालिका जीत 4 और 4 नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर पालिका भी जीती है, तो जाहिर सी बात है उत्साहित उनको होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण रामपुर की नगर पालिका जीती है, हाँ बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात है। मुझे हमें लगता है कहीं मुस्लिम वर्ग के वोट बैंक है सेंध लग गई है, ओबीसी बहुत जीते हैं, ओबीसी की बात करें तो 3 नगर पालिका वो भी जीते, इसमें कानपुर घाटमपुर भी शामिल है, इसके अलावा नगर पंचायत भी जीते हैं और नगर पंचायतों में 33 और 23 सदस्य भी जीते हैं जी, ओबीसी की पार्टी जी 66 के आसपास। तो यहाँ पर क्या लगता है मुस्लिम वर्ग को सर लगे क्या? हम बताया ना अभी कि मुस्लिमों को लगातार एक जो पार्टी मुसलमान अपनी पार्टी समझता था, बल्कि ये कह दूं अपनी बपोती समझता था, लेकिन मुस्तकिल उसको नजरअंदाज किया गया गौरव जी, लेकिन ये बात आज से नहीं है, बहुत पुरानी नजरअंदाज करने की। अच्छा, और यही वजह रही आज आदम खान आदम कहाँ पर पहुंच गए, तमाम समाजवादी पार्टी के जो मजबूत दबंग विधायक होते थे 2022 में उनको टिकट नहीं दिए गए, एक आज जो जीत गया उनका बाद में क्या हुआ, इरफान सोलंकी का आपके सामने है, अखिलेश जी ने कोई धरना कोई प्रदर्शन कोई आंदोलन, जबकि अगर इनकी जगह मुलायम सिंह जी होते तो मैं जानता हूँ वो शायद सत्ता की ईंट से ईंट बजा देते जी, बिल्कुल मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन अखिलेश जी के बस का नहीं है, यही वजह है कि मुझे लगता है जो मुसलमान आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी या ओवैसी की एमआई हमारी पार्टी क्या स्थिति होने वाली है। देखिए अभी ये कुछ कहना बहुत जल्दबाजी, उत्साहित बहुत है, हाँ उत्साहित तो है, उत्साहित होना भी चाहिए, मैं पहले कह दिया और मैंने साथ भी दिया कि अच्छी बात है, और पार्टी बस यही तो मैं कहता हूँ कि अभी तक एमआईएम को जितनी गालियां मिली हैं जितनी दी गई है सेकुलर पार्टियों ने, गौरव जी शिवपाल जी ने पार्टी बनाई थी, किसी मुसलमान ने बुरा नहीं कहा भाई, पार्टी आदमी बनाता है लड़ता है, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी को गालियां दी जाती हैं सेकुलर मंचों से, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया जाता है गौरव जी, मैं देखिए एमआईएम का ना तो मैं कार्यकर्ता हूँ ना मैं सदस्य हूँ ना मैं नेता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ कि तमाम मंचों से उसको बुरा कहा गया, और सबसे ज्यादा गए भाजपा का एजेंट, भाजपा का एजेंट, भाजपा की बी टीम, और आम आदमी पार्टी के बारे में कही जाती है। देखिए पार्टियां होती है, पार्टी के मुखिया जिस तरीके से ये कौन सी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनको कहीं मैसेज मिल गया होगा, दूसरी बातें कर रहा हूँ, ये जिस तरीके से मुसलमानों के अपमान की बात कर रहे हैं, आदड़ी आजम खान के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे आदड़ी आजम खान के बारे में, आप सोचो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी में उनका जो है जिस तरीके से जेल में मिलने नहीं गया भाई आदरणीय नेता है, क्या गलत बोल दिया उन्होंने, ये सुन तो लीजिए, इरफान सोलंकी से लेकर के उनके सबसे लोग सब बराबर हमारे आदरणीय नेता उन लोगों के बारे में सारी चीजें होती रहती है। दूसरी बात हसन का पेट्रोल पंप तोड़ा गया, घर पे बुलडोजर चला गया, आपके नेता ने क्या करा, अब अभी आप बोल रहे विवेक जी को, अरे आपका सेकंड राउंड है इसलिए मैं तर्क वितर्क कर सकता हूँ, मैं पहले राउंड में नहीं बोला था आपके, लेकिन आप मुझे बता दिए इरफान सोलंकी लिए आपने क्या किया, आजम खान लिए आपने कितने आंदोलन किए, कितने धरना दिए, कितने प्रदर्शन दिए, आप मुझे एमआईएम का जवाब बता रहे हैं, आप पहले तो अपने शब्द वापस लीजिए, आप पहले आप अभी एमआईएम की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ओवैसी साहब अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जहाँ बीजेपी के लोग जो है लड़ने जाते हैं सबसे ज्यादा गालियां तो आप ही लोग देते हैं एमआईएम को भाई, ओवैसी को भाजपा की मीटिंग बता दें। सुनिए सुनिए देखिए मैं पूछना चाहता हूँ आप मुझे बताइए तेलंगाना में कहाँ कहाँ लड़ते हैं ओवैसी साहब, बगल में आपके आंध्रा में कहाँ कहाँ लड़ते हैं, बगल में साउथ में कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं, वो क्या लड़ते हैं उनको पता है, जहाँ पे भारतीय यही चीज आप पर लागू हो रही है कि आप उत्तर राजस्थान में सीट, आप किसकी समाजवादी पार्टी जैसे कुछ मुसलमान है, हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे
मुसलमान जो आपको आईना दिखाते हैं, सुन लीजिए जो आपको आईना दिखाते हैं, हमारे ऐसे चुनिंदा लोग हैं, बाकी तो सब तलवार काटने वाले हैं करके उनको मजा आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भले अब मैं आता हूँ बात बीजेपी के हमारे साथ। देखिए, अभी आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी ने, अभी शायद साबरी साहब समीक्षा नहीं कर पाएंगे उसकी, मैं बोलूंगा अगले समीक्षा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी जो है एक विज्ञापन जारी किया है ग्राम पंचायत अधिकारी का, बिल्कुल किया। आप सोचिए जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण की खुली लूट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है टोटल जो वैकेंसी आपके सामने आई है, मैं उसको आपको डेटा प्रस्तुत कर देता हूँ, आप समझिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये विषय उस पे डिबेट का नहीं है, 800 सुनिए 1459 पोस्ट है, 1459 पोस्ट टोटल है, उसमें 849 जो है पोस्ट जो है जनरल के लिए कर दिया गया है, और 117 पोस्ट जो है हमारे जो क्या नाम है सुदामा कोटा को कर दिया गया है, जो ईडब्ल्यूएस के नाम से जाना जाता है, ईडब्ल्यूएस के नाम जाता है। ओबीसी जो 27% आरक्षण होना चाहिए वो केवल 139 पोस्ट है, एक केवल 139 पोस्ट है, और एससी की 356, 27% जो आरक्षण होना चाहिए था वो नहीं है। आज पूरे देश पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी के नेता हैं, जो रीएग्जाम होने जा रहा है तो आप टोटल इसमें आप देखो ना, आप ये रीएग्जाम होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ईडब्ल्यूसी ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, उसमें 117 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, आप ध्यान करिए, और आप मुझे बताओ ओबीसी की 139 पोस्ट है 27% में, ये कौन सा आपका तरीका आप लेके आए वहां पे, जो पिछड़ी जाति सब धोखा कर रहे हो आप। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ी जाति के नेता हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई बोल नहीं सकता है, जो बोल देगा उसका स्टूल भी छिन जाएगा। ये और जन लिए चंचल भाई, आपको बता दूं, मैं दुरुस्त कर दूं, ये पिछली वैकेंसी कुछ पोस्ट भटकी हुई थी, उसके हिसाब से आरक्षण जारी किया, री एग्जाम यहाँ पर हो रहा है, खैर जानकारी है, जो भी है, नहीं आप इसको करेक्ट कर लीजिए, इसके पहले भी नहीं, इसके पहले आप भी इसको कर, लेकिन आप री एग्जाम भी होगा, सुनिए, री एग्जाम भी अगर होगा तो ये आप बताओ आप किस आधार पे आपने ओबीसी का जो वैकेंसी है जो ये निकाला आपने बकायदा इसमें कैटेगराइज कर रखा है। और मैं आपको बता दूं, जिसके आरक्षण को लेके चंचल भाई, इसके आरक्षण को लेके पीआईएल भी दाखिल की गई थी, वो भी खारिज कर दी गई है। अच्छा, और आप सुनिए, बता रहा हूं, खारिज तो आप सुनो, 69,000 भर्ती आई थी, 69,000 भर्ती आई थी, आप बताओ उसमें आरक्षण खिलवाने खिलवा, वो हमारे जो नौजवान साथी वहां पे धरने पे बैठे रहे, अरे क्या बात कर रहे हैं, रोड पे थी दूसरी रोड पे आइए, इतना सुनिए आज आप बताइए, 69,000 भर्ती से आपको दर्द है, ठीक है मैं मानता हूँ बहुत दर्द है, तो जो बच्चे बेचारे आते हैं संघर्ष करती को गार्डन में, वहां जाइए, वो आप भी बैठिए से डरने पर, आप दिखाते कहां हो, आप दिखाते कहां हो, लीजिए कैसा, आप चलो डरने पर तो दिखा देते यार, पता नहीं है, अब बताइए, आप बताइए कौन सी कंपनी की बैठती है, आपने कितने डिबेट किए उसको लेकर के, आरक्षण को लेकर, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, कहां डिबेट करते हो, सुनिए, अरे आप प्राइवेट पर सवाल उठाइए चंचल भाई, मैं तो डिबेट करते हूं, आपने क्या बोल लिया है, पर पहरा है कलम पर पहरा है दोस्त जी, आप इस बात को मानिए, अभी पूरे कलम पर पहरा है, पर प्राइम टीवी डिबेट, मैं बता रहा हूँ ऐसे मुद्दे पर डिबेट की है जिससे किसी के आप बोलेंगे है। ये बोलेंगे जहाँ पर आप भी बोले, कोई प्रांत भी उठाया है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, ये अच्छा लगेगा, लेकिन ठीक बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप मुझे बताओ, इसी हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक प्रचार कर रहे थे, किस तरीके से भी साबरी साहब ने स्पष्ट कहा, किस तरीके से चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, क्या किसी ने डिबेट की, क्या किसी ने सवाल खड़ा किया, अच्छा, लेकिन सब लोग जो है केवल वही, मैंने बताया ना कि आज के समय में अगर आचार संहिता का उल्लंघन तो यहाँ होता रहता है, यहाँ पर आचार संहिता उल्लंघन ही कहा गया था तो कि जुलूस नहीं निकलेगा, राजधानी में खोले आप जुलूस निकाले गए, नगर पंचायत जुलूस निकाले गए, तो यहाँ पर कोई सामान्य आचार संहिता का उल्लंघन सभी करते हैं, कौन कौन करता है, नेतृत्व करते हैं जी, पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, चुनाव आयोग यहाँ पर देख रहे थे, जय बजरंग बली जय भीम चिल्ला रहे थे, आप सोचिए ये क्या उल्लंघन नहीं था, क्या किसी भी चैनल ने डिबेट करी जी, और अगर यही विपक्ष कोई नेता किया होता तो उसके ऊपर डिबेट होती, अरे मैं तो कह रहा हूँ उसके ऊपर डिबेट होती, आप तो और लीजिए, और आप जारी करिए एफआईआर रोड की बात कर रहे हैं, अरे एफआईआर की बात कर रहे हैं आप, रोड की बात कर रहे हैं, आप बताओ मुझे, मैंने आपको उदाहरण बताया अभी, समाजवादी पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी रही है,
और आज भी अगर आप देखिए, सुनिए है, सुनिए आज भी, आज सुनिए, आज भी अगर आप देखें सदन से लेके सड़क तक, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, सदन से लेके सड़क तक कथा कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप कथा कर रहे हैं, सुनिए जवाब दे पाते हैं। और आपको बताता हूँ, इसी हमारे विधानसभा के अंदर पूछा गया कि 86 में 56 की बात कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी, आप मुझे क्या जवाब दे पाए क्या जी? जो 86 में 56 यादव की बात कर रहे थे, मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार मुख्यमंत्री पूछना चाहता हूँ कि 86 में 56 की लिस्ट जारी कर दीजिए आप, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता कैसे करेंगे, लिस्ट जारी करिए, अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई। रणनीति यह है हमारी, हम लोग जनता के बीच में इनके काले कारनामों को लेके जाएंगे। जो जुमलेबाजी बराबर जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, आपने देखा होगा, सुनिए, अभी भी हमारे यहाँ, मैंने बताया ना कि अभी भी हमारे यहाँ पार्टी में सारा संगठन लगातार लगा हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो रणनीति बनी है समाजवादी पार्टी की, उस रणनीति पे काम होने जा रहा है, और वो काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो बात हो रही है, जीरो हट जाएगा, केवल 8 सीटें बचेगी। भाई बोल रहे थे पहले कि झोला उठाकर चल देंगे और नमस्ते करके सरकार चली जाएगी आपकी, आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार आप पे आरोप लगा दिए हैं। समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, इस बार आप बाहर होने जा रहे हैं सत्ता से, 8 आएंगी आपकी सीटें, 8? नहीं नहीं, बिल्कुल गौरव जी मैं इनकी बात से सहमत हूँ, बहुत संघर्ष है समाजवादी पार्टी में, कभी भतीजे का चचा से है, कभी मुसलमानों का यादवों से है। अच्छा, बहराइच मुस्लिम प्रधान को इनकी विधायक ने चप्पल से पीटा, जूते से पीटा, कभी स्टूल का कुर्सी से भी है। अभी साबरी साहब कह रहे थे कि मुस्लिम नेताओं को धक्का दिया, साबरी साहब की जानकारी के लिए बता दूं कि बहराइच मुस्लिम प्रधान को जूते से भी पीटा है समाजवादी पार्टी के विधायक ने, और तो और गुलशन, अरे आप तो मुस्लिम देख करके इनकाउंटर किए पड़े हो, उस बारे में ही सोच रहे हो क्या आप? अभी आज आप देखो, आज के समय में नहीं, आप अभी वो बता रहे थे ना, तो मैंने कहा कि मैं भी आप बोल लीजिए, जल्दी बोलिए बेबी भाई, समय कम है, बेबी भाई बोलिए। गौरव जी, गौरव जी जी, जो साबरी साहब अभी बता रहे थे कि मुस्लिमों के साथ क्या किया, मुसलमानों के 60 बच्चे मुजफ्फरनगर में शरणार्थी शिविर में मर गए, एक चपरासी भी सस्पेंड नहीं किया अखिलेश यादव ने उनके सत्ता काल में, जब वो खुद सैफई में इसी कैंप में बैठ के आलिया भट्ट का दाम देख रहे थे। अच्छा, तमाम उदाहरण आप कैसे क्या डालते हैं, आप भी कैसे क्या जी? अरे विवेक जी, आप, हम तो मुसलमान तो इस टाइम इतना फ्री है कि अगर आप पुचकार लेंगे मोहब्बत से तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपके पास भी तो वही आईना है, आप एक दायरे से निकल ही नहीं पा रहे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान से, मसला तो यही है। साबरी साहब मेरी बात तो सुनिए, आपने कहा कि महाराष्ट्र, अरे भाई, अरे विवेक जी मैं तो स्वागत कर रहा हूँ, आप बुलाइए, मैं आपके साथ खड़ा हो रहा हूँ, आप बुलाइए तो सही, आप तो गरिया गरिया इतना दूर कर देते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन को जनमत जनता ने दिया था, उस जनमत को हरण करके शिवसेना ने जाकर के कांग्रेस और एनसीपी की गोद में रख दिया। हमारा उस पर मध्यप्रदेश में क्या हुआ था, मध्यप्रदेश में क्या हुआ था, बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अगर इनसे इनका घर नहीं संभलता, इसकी समस्या है। मैंने परसों कहा था कि हर स्टेट में इनकी 2 औलादे कांग्रेस वालों की टहल रही है। अच्छा, एक कांग्रेस की समस्या है। अच्छा, एक मुख्यमंत्री बना, एक पैदल टहल रहा है। कर्नाटक में देख लीजिए नाटक चल रहा है जी। सरकार कांग्रेस नहीं बैठी के साथ, आप प्रवक्ता कांग्रेस बननी चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, काम धाम शुरू होना चाहिए। 3 दिन हो गए फैसले आए, 4 दिन हो गए, 13 तारीख को फैसला आया है, 4 दिन में आज तक ये देखते हो सत्रह में यूपी में भी यही हुआ था। भाई विवेक जी, भाई आपके पास हर सवाल का जवाब है, बहुत अहम बात तो ये है कि भाजपा के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन ऐसा तो कोई खास बात नहीं है, ऐसा तो लेट सवेर हफ्ते बाद यहाँ पे, हफ्ते भर बाद यहाँ पे जी। साबरी साहब, ये गठबंधन का मामला नहीं है। अच्छा, क्लियर कट मजॉरिटी कांग्रेस को मिली हुई है। आपके अभी डबल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, योगी ने इतना टाइम दिया था। अच्छा विवेक भाई, विवेक भाई, विवेक भाई, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, विवेक भाई, ट्रिपल इंजन सरकार है, विवेक भाई ये बताइए, मुस्लिम वोट वर्ग बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी जा रहा है, ओबीसी की पार्टी में जा रहा है, समाज सपा में भी है, और अगर विपक्ष एकजुट यहाँ पर हो गया तो आपके लिए चुनौती बड़ी है। आम आदमी पार्टी भी लगातार सक्रिय है, उत्साहित है, इस समय तकी भाई का जो उत्साह है वो 7वें आसमान पर है। जमीन पे पैर नहीं भाई, तकी भाई की जमीन से जुड़े हुए लोग हैं भाई। गौरव जी जी, तकी भाई ने बताया जी कि जो 100 साल पुराना दल है, जो 40 साल पुराना दल है,
जो इतने साल पुराना दल है, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि उन दलों में जो दुर्गुण इतने कालखंड के बाद आए होंगे, उन सारे दलों के दुर्गुण 10 साल के अंदर इनके पार्टी में आ चुके हैं। अच्छा, ये तिरंगा लेके निकले थे, अच्छा, मसाज पार्लर तक पहुंच गए। अरे तिरंगा तो आपने क्वार्टर में तिरंगा नहीं फैलाया 40 साल तक 45 साल तक। गरीबों की बात करते हैं, 52 साल तक आप तिरंगा नहीं फैलाया क्वार्टर में नागपुर में। वो गरीब उस 8 लाख के पर्दे को देख के क्या महसूस करेगा? अगर मैं वहाँ विपक्ष का नेता होता तो उन गरीबों को लेकर कैसे मुख्यमंत्री आवास में धावा बोल देता, ले धावा बोल देता, पर्दे नोट करके मैं गरीबों में तकसीम कर देता। अरे वो पर्दे बहुत महंगे, वो बीजेपी चुप रही है तो आप पर्दा यही बैठे जिला पाएंगे अपनी झोपड़ी है, पक्का मकान नहीं है, देश का मुख्यमंत्री 8 लाख का पर्दा अगर घर में लगा रहा है, घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पत्थर नहीं मिला करते। पार्टी जीती जाती है आम आदमी पार्टी। राजकुमार का डायलॉग याद है आपको? चलिए ठीक है, यार डायलॉग नहीं बोलना है, सबको पता है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, रोजगार का वादा किया, बेरोजगार हो गए, योजना में 40 करोड़ लोग किसी सेंटर वापस हो गए, सेंटर लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। आप बताइए, बता रहा हूँ, सुन ली बता रहे, काम बता रहे, कनेक्शन दिया, विकाल मात्रा में गरीबों को आवास दिया, अच्छा, गाँव गाँव बिजली पहुँचाई। जी, बिजली लखनऊ में नहीं आती। ये चिंतन अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने किया होता, हमें करने की आवश्यकता ना पड़ती। विवेक श्रीवास्तव जी, एक भी बिजली का प्लांट बता दो पूर्ववर्ती से, कहाँ लगाया आपने? जी बता दीजिए, एक भी सिंगल प्लांट बता रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, चैलेंज बात बताइए आप। विद्युत प्लांट कहीं लगाया आपने? कहीं बिजली का प्लांट लगाया है? थर्मल पावर प्लांट लगाया है क्या आपने? पूछ रहे हैं, जो बिजली जो उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पहले उसकी हम लॉस कंट्रोल कर ले। क्या बात करोगे आप लॉस कंट्रोल के बारे में? जैसे लोगों समाजवादी पार्टी ने, मैं बताता हूँ, जो जो समाजवादी पार्टी के नेता बिजली का बिल नहीं देते थे, मुलायम सिंह से हमने वसूली हमने की है। अरे किताबा के बंगले से, आपने बिजली मुफ्त करेंगे, हाफ करेंगे? भारतीय जनता पार्टी भाई, इसी 2022 में भाजपा ने वादा करा था बिजली हाफ करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। इसकी 200 रुपए की बिल आती थी, आज 2000 की बिल आ रही गांव में। एक जो 100 वाट का बल्ब पहले, सुनिए विवेक भाई, 100 वाट का बल्ब पहले था वो आपका 200 रुपए बिल आता था, आज एलईडी बल्ब लगता 2000 की बिल आ रही है। इतनी बड़ा घोटाला है, मीटर के नाम पर बड़ी तरीके से लूट है, बहुत बड़ी लूट है। सरकार ने किया है उस पर आगे जांच चल रही है, विषय अलग है, जो डिबेट का विषय उस पे बात करिए। नहीं आमिर साहब, आमिर साहब भाई, आप बिजली पर बात कर रहे हैं इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे कि ये स्मार्ट मीटर किस बात के लिए लगे थे भाई? सब लोग मत बोलिए, सब लोग मत बोलिए, सब नहीं बोल रहे, मैं ही बोल रहा हूँ। आमिर साहब नहीं पूछ रहे आपसे, बोले मंत्रालय अडानी जी को मिल गए हैं, बोले 22 में आप बोल रहे थे बिजली बिल आधा हो जाएगा, पूछ रहे हैं आमिर साहब नहीं पूछ रहे हैं आपका हो गया क्या? देखिए हमारे जो घोषणा पत्र में है, हो सकता है भाजपा नेताओं का, भाजपा कार्यकर्ताओं का हो गया हो, आम आदमी का कोई मतलब नहीं इससे भाई। वादा किया था उस वादे का, ये कोई समाजवादी या की सरकार तो है नहीं, तो अच्छा अरे आपका आपको आपका घोषणा पत्र याद दिला रहा है क्या? आपने वादे किए थे मंचों से विवेक जी, आपने वादे किए थे भाई साहब। अच्छा विवेक जी, आपके घर में गैस सिलेंडर कितने रुपए का आता है? 400 रुपए का, 1140 रुपए का आता है। क्यों भैया आप बताओ, जब आपने सब्सिडी छोड़वा दी पूरे देश से, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा भूल गए क्या आप? वही माँ की आंख में आंसू आते थे, बड़े बड़े गैस सिलेंडर की बात होती थी, सिलेंडर खरीदने भी लेने घूमती रानी भाई, सिलेंडर प्याज की माला भी डाले घूमती थी। अरे भाई सुन लीजिए, डीजल को सब्सिडी मिलती है, अपनी सरकार पे भरोसा है, सब खा गए गुजराती देश की लेकिन देश को ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाने देंगे जिनकी निष्ठा विदेश में बैठी है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद विवेक जी, जिंदाबाद। प्रवक्ता रालोर बेर भाई, कुछ बोल रहे थे आप भाई? एक बात ये आप बताइए कि ये जो सब्सिडी जो सीनियर सिटीजन को रेलवे में छूट मिलती थी, उस छूट को भी बंद कर दिया। अच्छा, और
और जो पैसा बहुत है आपके पास, छूट मिलती थी वो छूट बंद कर दिया इन्होंने। रेलवे घाटे में भाई, घोषणा पत्र में वादा किया था कि साहब किसानों को मुफ्त बिजली उत्तर प्रदेश में देंगे, भूल गए होंगे। उसको आज ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तो क्या मतलब इन सारे मामलों में अभी सरकार को एक साल हुआ है गुमराह करके, जनता को गुमराह करके। अरे भाई ये स्वीकार तो करे गौरव भाई, ये स्वीकार नहीं करते कि हमने ये वादा किया था। चलिए चलिए, मैं तो बोलता हूँ विपक्ष भाई घोषणा पत्र लेके आ जाए रोड पर, बिजली बाहर कब तक रोड पे आएगा? मैं चाहता हूँ विपक्ष गौरव घोषणा पत्र लेके रोड पे आ जाए, मैं चाहता हूँ इस बहाने विपक्ष रोड पे आ जाएगा जी। अरे जब मैंने दो महीने आंदोलन चलाया तब तो इन्होंने गंदे का मूल घोष दिया, लगातार सड़क पे भाग रहे भाई, और 19 तारीख से फिर मैं सड़क पर आ रहा हूँ कि किसानों की आय की दोगुना का क्या हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है, 19 तारीख से 3 दिन तक सड़क आखिरी कमेंट आखिरी कमेंट आपको बताए दे रहा हूँ जी, और सरकार जवाब दे उस बात का। चल ठीक है ठीक है, संजय राणा बोलिए जी। जिस तरीके से वाराणसी के अंदर हमारे किसान साथी बहुत सारे लोगों को जमीन हथियाई जा रही है, और न जाने हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री शहर है बगल में जयपुर, पता नहीं क्या क्या बातें हुआ करती थी, आज उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं होती है। और इतना बड़ा कांड हुआ, लोगों को लाठियों से पीटा जा रहा, वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन मैं किसी चैनल पर नहीं देख रहा हूँ, कोई दिखा दे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कम से कम आप धन्यवाद करता। हमारे साथी समाजवादी पार्टी के साथी कार्यकर्ता पहुंच करके आंदोलन कर रहे थे, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा ऐसा नहीं है। और देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चीजें हैं वो आज के, मैंने बताया आज कलम पर पहरा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा। मैं ये बात आपको एकदम बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है, जितने भी चैनल है, एक भी चैनल ने दिखाने की हिम्मत नहीं की। चूंकि प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उस चैनल को जो है डिस्टर्ब करेंगे, मालिक को डिस्टर्ब करेंगे, ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, इससे चैनल चलना भी चाहिए, इसलिए मजबूरी है चैनल की। चंचल भाई, कोई पहरा कहीं पर नहीं होता है, जो जिसका पहरा नजर आता है नजर आए। आप चलाइए, मैं दिखा रहा हूं, टीवी बात करूं, आप दिखाइए अपने, मैं जैसे अपने संवाददाताओं को भेजिए वहां पे, मैं स्पष्ट करता हूं, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, प्राइम टीवी टीम लगातार आपको दिखाती आई और दिखाएगी, पर कम से कम संघर्ष करिए। यहां पर मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, अगर संघर्ष करती है, मेहनत करती है, आंदोलन करती है, तो यहां पर नजर आती है। संवाददाता को भेजिए वाराणसी के अंदर और भेजिए, वो दिखाए वीडियो, और मैं कहता हूँ आप चलाइए। मैं आपको मानता हूँ कि आप अपनी अच्छी बात रखते हैं, विपक्ष की बात भी रखते हैं, आज जनता की बात उठाते हैं। मैं चंचल भाई आपको बता दूं, मैं ऐसे ऐसे मुद्दों पर डिबेट हो चुकी प्राइम टीवी में जिसने मुद्दे किसी ने नहीं उठाए, यहाँ तक मिनिस्ट्री मीडिया तक ने नहीं उठाया। इसमें कोई दौरा नहीं, इसमें सकनी में आपकी बात भी उठाइए। आखिरी कमेंट जी, देखिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों बीजेपी इतनी बौखलाई हुई कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ता पे प्रतापगढ़ में, रानीगंज में, जो आप प्रत्याशी प्रभावती यादव के परिवार के ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया? अच्छा, क्योंकि सफारी तोड़ दी, क्योंकि मैं इतना गंभीर उनके चोटें लगी हुई है, बीजेपी इतनी बौखला गई है, बौखला कार्यकर्ताओं के ऊपर डर गई है। हमें हमारे एक कार्यकर्ता को अगर छुआ तो हम बताएंगे फिर उत्तर प्रदेश हम क्या करेंगे। अच्छा, हमारे कार्यकर्ता को छूने की हिम्मत न करे भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता संघर्षित कार्यकर्ता है, वो हमारे लिए हीरो है, किसी को छुइएगा नहीं। आप लोग आप छुइएगा, आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप ले रहे छुइएगा मत। आम आदमी पार्टी का कर्ता संघर्षशील है, देश से प्रेम करने वाला है, वो जनता की आवाज उठाने वाला है, वो बीजेपी रहने वाला नहीं है, वो बीजेपी चल के रहेगा, बीजेपी चल के रहेगा। हम लोग 40 करोड़ के बंगले की खिड़कियां उखाड़ी जाएंगी, पर्दे नोचे जाएंगे, मुझे फंसे रही आप पर्दों में लिपटे रही आप। ठीक है ठीक है, पर्दों में खो जाएंगे। ठीक है ठीक है, बहुत स्वस्थ चर्चा हुई, अच्छा लगा भाई। भाई आज की चर्चा में इतना हो गया भाई, अब चर्चा खराब मत करिए भाई, हो गया विवेक भाई, हो गया। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण चर्चा थी, और चर्चा थी 24 की चुनाव को रणनीति को लेकर। यहाँ पर चाय पर चर्चा बीजेपी करने जा रही है, अभियान करने जा रही है, और यहाँ पर सभाएं भी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समेत तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश सभाएं करेंगे, 80 लोकसभा सीट में मेहनत की जाएगी। पर यहाँ विपक्ष की रणनीति बहुत जरूरी है, विपक्ष किस तरह रणनीति बनाएगा, विपक्ष एकजुट कैसे होगा, और विपक्ष की यहाँ पर क्या रणनीति होने वाली है, महत्वपूर्ण चर्चा विषय था। चर्चा भी हुई, पर फिलहाल चर्चा भटकी भी, और चर्चा के साथ एक आकलन नजर आया कि विपक्ष जानता है कि कमियां कहाँ हैं, विपक्ष जानता है कि कहाँ काम और होना चाहिए, पर विपक्ष उन कमियों के लिए, उस व्यवस्था के लिए, जनता के मुद्दों के लिए लड़ना नहीं चाहता है। विपक्ष अगर वास्तव में जनता से प्रेम करता है तो जनता के लिए रोड पर आए, धरातल पर आए, संघर्ष करे, जो विचारधारा जनता के लिए होती है जनता जनाधार उसी को देती है। जनता जनार्दन है, जनता ने स्पष्ट कर दिया है कई चुनावों में, कई परिणामों में, कि जनता जिस चाहे को सत्ता पर बैठाए और जब चाहे सत्ता से उतार सकती है। अगर मेहनत करेंगे, बेहतर परिणाम लाएंगे, संघर्ष करेंगे, तो उससे परंपरा भी बदलेगी और व्यवस्था भी बदलेगी। जनता के मुद्दे उठाइए, धर्म व्यवस्था में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि धर्म और आस्था
केवल भक्ति भाव के लिए बने हैं, ना कि राजनीति के लिए। भारतीय लोकतंत्र की सूचना को बनाए रखना जरूरी है, संस्कृति बनाए रखना जरूरी है, और आप चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और बेहतर बने, विश्वगुरु बने, उसके लिए मेहनत करिए, स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करिए और संघर्ष करिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, चलते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।